आज का दिन 25 सितंबर इसको हम कई वर्षों से समर्पण दिवस इस नाते से मनाते हैं, और ये दिवस दो हमारी महान विभूतियां हैं जिनके जन्म यानी जयंती का ये दिन होता है, जिसमें जैसा बताया अपने दीनदयाल जी उपाध्याय, जो आज़ादी के समय से पहले उनकी एक बहुत बड़ी एक वैचारिक भूमिका रही, और आज़ादी के बाद संगठन की संगठनात्मक एक प्रकार से जो उनका कला कौशल था उसके कारण से उन्होंने पूरे देश में संगठन को भी खड़ा किया। और चौधरी देवीलाल जी ये भी आज़ादी के आंदोलन से जुड़े रहे, और अंत में देश के गरीब किसान मजदूर उनके उत्थान के लिए शासन में आने के बाद भी बहुत सी योजनाएं उन्होंने चलाई। पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय को हम इसलिए जानते हैं कि उनकी जो वैचारिक भूमिका थी वो कहा करते थे कि व्यक्ति अपने लिए तो सभी सोचते हैं, लेकिन समाज के प्रति सेवा और समर्पण का भाव ये सदैव बना रहना चाहिए, तभी हम एक अच्छे सशक्त सुखी समाज की कल्पना कर सकते हैं। पाश्चात्य सभ्यता और हमारी सभ्यता में बहुत बड़ा अंतर रहा है। पाश्चात्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन का विकास या समाज जीवन का विकास उसको अर्थ प्रधान इस रूप में देखा गया है कि जितनी आर्थिक प्रगति होगी उतना ही समाज सुखी होगा। लेकिन पंडित दीनदयाल जी कहा करते थे कि हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है वो त्याग प्रधान है। सेक्रीफाइस की भावना, सेवा की भावना जितनी ज़्यादा रहेगी उतना समाज के अंदर एक सामंजस्य, एक आत्मीयता, एक प्रेम और एक सशक्त समाज की कल्पना हो सकती है। हम जानते हैं कि प्राचीन समय में जितनी सेवाएं सर्विसेज होती थी वो ये कहा करते थे कि वो पैसे से नहीं, वो त्याग समर्पण भाव से काम करने वाले लोग सबको सेवाएं देते थे, और जो सेवा प्राप्त करता था वो बदले में अपने समर्पण भाव से एक गुरु दीक्षा, गुरु दक्षिणा इस प्रकार से दिया करता था, उसकी कोई सीमा नहीं होती थी। यानी यहाँ इस देश में शिक्षा भी फ्री थी, चिकित्सा भी फ्री थी, और जो ट्रेनिंग पार्ट होता था या जो लोगों के जीवन चरित्र को ऊंचा उठाने के लिए एथिक्स की जो ट्रेनिंग होती थी वो भी फ्री थी। संत महात्मा समाज आज भी करता है। तो ऐसी चीज़ों में अर्थ प्रदान होने के बाद हम उचित सेवा ये त्याग दे नहीं सकते हैं। आज समाज के अंदर हमारे यहाँ विदेशियों की तुलना में इस भाव का, त्याग और समर्पण भाव का वर्चस्व आज भी है। बहुत सी ऐसी एनजीओज हैं जो समर्पण भाव से काम करती हैं, बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो जीवन का समर्पण समाज के लिए कर देते हैं, अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, सब समाज के लिए। समाज में एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो इसको किसी ना किसी एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से सिस्टम खड़ा किया जाए तो उसमें काम करने के लिए तैयार रहते हैं। अभी तक सोशल काम सोशल ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा करती हैं, लेकिन क्यों नहीं सरकार का एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए जिसमें से ऐसे समर्पित लोग, ऐसे जो सेवाभावी लोग जिनको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, उनको समय उनके पास है उसका उपयोग करते हुए, कुछ लोगों के पास साधन भी है, साधन लगा करके वो समाज का सेवा काम करना चाहते हैं, लेकिन सरकारी प्लेटफॉर्म में आने के बाद उनके काम का परिणाम ये अच्छा निकलेगा। तो आज हमने ये जो समर्पण का पोर्टल ये बनाया है, इसमें जो वॉलंटियर्स हैं समाज में, समाज सेवी लोग हैं, निस्वार्थ भाव से काम करने वाले लोग हैं, उसमें बहुत से रिटायर्ड ऐसे बहुत लोग हैं, आखिर 58 साल की 60 साल की आयु में रिटायर होते हैं तो शरीर में क्षमता होती है, उनमें उनका अनुभव भी होता है, उनकी शारीरिक क्षमता भी होती है, तो वो काम करके आगे आना चाहते हैं, उनकी अपनी आवश्यकताएं नहीं होती हैं। मुझे बहुत लोग मिलते हैं रिटायर्ड आदमी, कई बार वो काम कोई ना कोई पकड़ते हैं या आके हमको भी कहते हैं मैं रिटायर हो गया मुझे कोई काम बताओ। मैंने कहा किस लिए काम चाहिए, आपके पास पैसे की कमी है क्या? नहीं, पैसे की तो कमी नहीं है मेरे, क्यों काम चाहिए? इसलिए चाहिए कि मेरे पास समय बहुत है, मैं समय का करूँ क्या? अगर मैं खाली बैठता हूँ तो मैं बैठ नहीं सकता हूँ, फिर कुछ ना कुछ विध्वंसात्मक बातें ध्यान में आएंगी, कहीं ना कहीं और उल्टी सीधी संगत में पड़ जाएंगे। बहुत लोग मिलते हैं, हमने कहा क्या आप जीरो सैलरी पर काम कर सकते हैं? दर्जनों ऐसे नाम हैं मेरे पास, बड़े ऑफिसर्स, जिन्होंने मुझे हाँ कहा है कि हाँ जीरो सैलरी पर भी हम काम कर सकते हैं, 1 रुपी सैलरी पर काम कर सकते हैं। उसमें से ये ध्यान में आया कि क्यों नहीं हम वॉलंटियर्स का पोर्टल खोलें। कोविड के समय में जब पहली वेव शुरू हुई हमने कोविड का एक वॉलंटियर्स पोर्टल बनाया था। 72,000 पर्सन दे रजिस्टर्ड देमसेल्स। किसी ने कहा कि मैं डॉक्टर हूँ, किसी ने कहा कि मैं
एडमिनिस्ट्रेशन के काम में सहायता कर सकता हूँ, किसी ने कहा किसी मरीज की उसका केयर करनी है वो मैं कर सकता हूँ, कोई भी काम करने के लिए वो 72,000 लोग आ गए। अभी हम चाहते हैं कि भी आखिर किसान हैं, किसानों को गाइड करने के लिए कुछ किसान मित्र चाहिए तो इन वॉलंटियर्स में आएंगे। आखिर फॉरेस्ट को बढ़ाना है, जंगल को यानी वृक्षों को बढ़ाना है, पर्यावरण को सुरक्षित रखना है, इसके लिए हम चाहते हैं वन मित्र आने चाहिए। इसी प्रकार यानी हर एक चीज़ में शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा मित्र चाहिए, पुलिस को आगे बढ़ाने के लिए पुलिस मित्र चाहिए, यानी पुलिस मतलब रक्षा सुरक्षा में भी वो लोग सहयोगी हो सकते हैं। तो ऐसे भिन्न भिन्न विधाओं के लोग इसमें आए, और केवल रिटायर्ड आए ऐसा नहीं है, हमारे सर्विस में भी कोई बहुत ज़्यादा काम करना होता ऐसा नहीं है, सर्विस क्लास को भी 8 घंटे की निश्चित ड्यूटी है, सप्ताह में 5 दिन है, साल में 50-55 छुट्टियाँ भी हैं। देखा जाए तो मैं एक रफ आंकड़ा अगर बताऊं तो 8 घंटे के हिसाब से मुश्किल से 150 दिन ही काम करता है आदमी, उसके अलावा व्यक्ति की छुट्टियाँ, बाकी उत्सव, संडे, सैटरडे, ये सब निकाल दिए जाए तो 150 दिन से ज़्यादा काम नहीं करता है। तो उसके पास 150-250 दिन खाली है, और फिर सुबह शाम खाली है। ऐसे भी हैं जो 18-18 घंटे काम करते हैं, केवल रात को 6 घंटे लिए थोड़ा चाहिए, और दिन में अपने व्यक्तिगत कुछ दिनचर्या के लिए 2-3 घंटे चाहिए, 15-15 घंटे काम करने वाले लोग हमने देखे हैं। तो इस प्रकार से काम करने वालों को एक अवसर मिले, सेवा करने वाले को सेवा का अवसर मिले, समर्पण भाव से अपने आप को पुण्य कमाने वाले भी लोग हैं कि भाई इससे सेवा का काम होगा तो मुझे पुण्य मिलेगा, हो सकता है अगले जन्म में उनका विश्वास हो कि वापस किसी ठीक ठाक योनि में आ जाए, इसलिए भी सेवा करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये कि आज हम इस समर्पण भाव को समर्पण दिवस के अवसर पर ये हमने जो कार्यक्रम शुरू किया है, ये जो हमारा अंत्योदय मिशन है, फॉर्मली मिशन अंत्योदय 2020 केंद्र सरकार ने कार्यक्रम शुरू किया है, तो मिशन अंत्योदय 2020 वो देश भर में सब पंचायतों से लेकर के और प्रदेश और केंद्र सरकारों के विभागों के साथ वो चीज़ें जुड़ी हुई हैं। हम इसको अलग से स्वरूप देंगे, अंत्योदय मिशन की कोई संस्था, कोई सोसाइटी, कोई अथॉरिटी, कोई मिशन बोर्ड, कुछ ना कुछ बनाएंगे, और इसको काम तो शुरू हो गए हैं लेकिन उन सबको एक जगह पर एक सूत्र में पिरोने के लिए एक इस प्रकार की मिशन अथॉरिटी बनाएगी। उसमें कोई ना कोई शुरू में सरकारी अधिकारी रखेंगे, बाद में कोई रिटायर्ड अधिकारी उसके अंदर जिनकी रुचि होगी उनको लगाएंगे, और सारे देश में नीचे लेवल तक जहाँ जहाँ आवश्यकता है वहाँ वहाँ ऐसे ही हज़ारों की संख्या में जो वॉलंटियर्स बनेंगे, कितने बनेंगे आज मैं कोई आंकड़ा नहीं दे सकता, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे हमने 70,000 कोविड के समय रजिस्टर किए थे इससे तो ज़्यादा ही होंगे, 1,00,000 वॉलंटियर अगर हो जाते हैं तो उनके लिए काम हमारे पास सबके लिए है। तो इसलिए ऐसे वॉलंटियर्स को चाहे वो सर्वे के काम में, चाहे वो शिक्षा के काम में, चाहे बाल विकास, महिला के काम में, किसान कल्याण में, कौशल विकास में, या जो स्वैच्छिक सेवाएं बहुत होती हैं इनमें करने के लिए, जो और दो ऐप का, एक ऐप और एक वेबसाइट जिसका लॉन्च किया गया उसमें हुनर ऐप जो है उसमें किस व्यक्ति को कौन सी स्किलिंग ये चाहिए, किस पर्पज़ के लिए चाहिए, तो हमारा जो कौशल हरियाणा विकास कौशल मिशन है उन्होंने इसको हुनर ऐप को लॉन्च किया है। इससे लोगों को, नौजवानों को खास करके उसकी ऑटोमेटिक रास्ता उसको मिल जाएगा, और ये हुनर ऐप का भी जो लिंक है हम जो हमारा जन सहायक पोर्टल है उसमें डाल देंगे, ताकि जिसको जो चीज़ चाहिए वो भी एक गेटवे ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट है जन सहायक, आपको नहीं पता कि किस सेवा के लिए, किस काम के लिए कौन सी वेबसाइट है, कौन सी ऐप, कौन सा क्या, आप एक ही याद रखो जन सहायक, उसको क्लिक करो आपको फटाफट पता लग जाएगा कि आपकी मतलब कि कौन सी उसमें, तो ये भी उसमें डाल दी जाएगी। वेबसाइट में हर विभाग की अपनी वेबसाइट है, तो विदेश सहयोग विभाग इन्होंने भी अपनी वेबसाइट लॉन्च की है, मैं इस विभाग को बधाई देता हूँ, ताकि हमारा जो विदेश के साथ जिन लोगों को जुड़े रहना है वो सब इसके साथ जुड़ करके आगे बढ़ें। कुछ विषय और जो मुझे रखने हैं उसके अंदर, सबसे पहले तो ये जो चल रहा है विषय बहुत समय से किसानों का, देखिए हम चाहे उसको मैं अंत्योदय के साथ ही जोड़ के देखता हूँ, पंडित दीनदयाल जी के दर्शन के साथ उन्होंने एक सैद्धांतिक रूप से हमें एक विचारधारा दी, उस पर काम करने के लिए शासन में आज नरेंद्र मोदी जी से बड़ा नाम और कोई नहीं है,
वो भी गरीब का, पिछड़े का, किसान का, इन सब का ध्यान रखते हुए नई से नई योजना बना के आ रहे हैं। वास्तव में तो देखा जाए, देश जब आज़ाद हुआ उस समय, क्योंकि आज़ाद हुआ है तो बहुत सी चीज़ों की आवश्यकता थी। हमको इंडस्ट्री भी चाहिए, हमको एयरवेज भी चाहिए, हमको देश के लिए रक्षा सुरक्षा के लिए शस्त्र भी चाहिए, सब चीज़ों पर ध्यान दिया गया। लेकिन आम आदमी, गरीब आदमी, उसकी जो आवश्यकताएं हैं वो एक प्रकार से उसकी अवहेलना हुई। अगर उसी समय से ये अंत्योदय, महात्मा गांधी जी ने इसका बहुत अच्छी प्रकार से व्याख्या की है, अनटू द लास्ट एक पुस्तक है, उस पुस्तक के माध्यम से उनका ये विचार है कि जो लास्ट पर्सन है उसकी चिंता करना का काम भी हमारा। उन्होंने हमें लघु उद्योग की बात कही कि लघु उद्योग, स्वच्छता की बात उन्होंने कही कि ये सारे अभियान स्वतंत्र देश के अंदर शुरू में आ जाने चाहिए ताकि आम लोगों को रोजगार मिले। लेकिन इस ओर नहीं ध्यान दिया गया, न शिक्षा की ओर दिया गया, न उद्योग, लघु उद्योग की तरफ नहीं दिया गया, बड़े उद्योग की तरफ ध्यान गया है। आम आदमी का रोजगार, आम आदमी का उत्थान, इस पर हमारी नज़र एक प्रसार अंदाज किया गया 1947 के बाद। कई वर्षों तक इधर ध्यान नहीं गया, नारे लगते रहे, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाएंगे, गरीबी उत्थान, गरीब उत्थान, 20 जो पॉइंट प्रोग्राम, थ्योरेटिकल बहुत चीज़ें होती रही। लेकिन उसको जिस प्रकार से, जितने जिस एंगल से सोचना चाहिए था, मुझे प्रसन्नता है कि देश के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हर चीज़ को ध्यान कर रहे हैं। यानी घर के अंदर गैस सिलेंडर नहीं है वो भी पहुंचना चाहिए, अन्न नहीं है घर के अंदर वो भी कैसे पहुंचे, उसकी आवश्यकता पूर्ति हो, सिर पर छत नहीं है तो हर किसी को छत मिलनी चाहिए, अगर उसका बीमा नहीं है उसका तो 60 साल के बाद उसको पैसे मिलने चाहिए ताकि उसका सामाजिक सुरक्षा उसकी हो सके। वर्तमान में भी जितने छोटे व्यवसाय के लोग हैं उनको भी लाभ मिलना चाहिए, उनको सपोर्ट करनी चाहिए, नए स्टार्टअप्स ये खड़े होने चाहिए, शिक्षा में भी हमें आगे बढ़ना चाहिए, और स्वदेश, स्वदेश की भी भावना, ये आज़ादी के बाद जिस प्रकार से हमको खड़ा रखना चाहिए था हुई नहीं, आज उसकी ओर भी ध्यान दिया जा रहा है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसके अंदर स्थानीय यानी अपनी जो मातृभाषा है और अपने प्रदेश के, अपने देश की और भाषाएं हैं, इनको भी आगे बढ़ाना चाहिए। अब हमने किसानों के लिए बहुत कुछ किया है, यानी आज हम याद करते हैं चौधरी छोटूराम जी को, हम चौधरी देवीलाल जी को याद करते हैं, ऐसे किसानों के हित में काम करने वाले बहुत लोग याद करते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि एक समय ऐसा आएगा आगे फ्यूचर में कि ये जो वर्तमान काल है, मोदी मनोहर सरकार, ये किसानों के हित की सरकार थी, ये इतिहास बनने वाला है। किसानों की आय जिस प्रकार से आगे बढ़ाई जा रही है, जिस प्रकार से नए नए आयाम खोले जा रहे हैं, उनको रिस्क मैनेजमेंट उनके लिए जो किया जा रहा है कि कोई भी, अब भी जैसे वर्षा इस बार बहुत हुई, सितंबर महीने में इस प्रकार की वर्षा कभी नहीं हुई, तो ये वर्षा के कारण से बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। हमने रेवेन्यू डिपार्टमेंट को, FCR साहब को कह दिया कि स्पेशल गिरदावरी कराएं, और जिस भी किसान का नुकसान हुआ है अगर बीमा किया हुआ है तो बीमा कंपनी देगी, बीमा किया हुआ नहीं है तो हरियाणा सरकार देगी, लेकिन किसान को उसका कंपनसेशन, ठीक है फुल कॉस्ट शायद नहीं दे पाते हैं, लेकिन एक निश्चित मात्रा में जितना उसका तय किया हुआ है 12,000 रुपये एकड़ का, वो सरकार देगी, और अगर बीमा किया हुआ है तो कहीं 20,000, कहीं 22,000, 24,000, 28,000, वो अलग अलग फसलों के अलग अलग हैं, तो इस हिसाब से वो उनको दिया जाएगा। जो किसान है वो किस प्रकार से प्रोग्रेस करें, किसान को उसके सहयोगी जितने भी और काम हो सकते हैं, किसान के बच्चे के पास जमीन कम है, बी कीपिंग तो कर सकता है, अभी 2 दिन पहले हमने बी कीपिंग की पॉलिसी एक लागू की है कि 3,000 किसानों का भी बी कीपिंग का लाभ मिल रहा है, लेकिन हमें 10 साल में 10 गुना ये करना है, हालांकि मेरे हिसाब से 10 गुना कम है, डिपार्टमेंट ने अभी 10 गुना कहा है, तो एक बार इसको प्रारंभ करते हैं। लेकिन बी कीपिंग से उद्योग बढ़ेगा, आमदन बढ़ेगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, मैं कहता हूँ अगर कंजम्पशन हमारे अपने लोग करते हैं तो उनका स्वास्थ्य भी अच्छा होता है। शहद का एक जो एक कंजम्पशन है जितनी ज़्यादा बढ़ेगी, जैसे दूध की कंजम्पशन से स्वास्थ्य ठीक होता है, ऐसे शहद की कंजम्पशन से भी ठीक होता है। 3 कानून ऐसे हैं जिसका अभी तक कोई उपयोग हुआ नहीं है, बिना उपयोग के कुछ अराजक तत्वों, मैं कहूँगा ऐसे अराजक तत्वों ने एक हवा खड़ा कर दिया है कि अगर ये हो जाएगा तो किसान खत्म हो जाएगा, किसान की जमीन बिक जाएगी, किसान मंडियां बंद हो जाएंगी, ऐसे सारे हुए खड़े किए गए, जबकि इन सब को लागू करने की डिमांड केवल आज की सरकार ने की ऐसा नहीं है, ये 25 साल से ये चीज़ें चल रही हैं। इसमें डिबेट बड़े बड़े पार्लियामेंट में
उनकी आज भी वीडियोस मिल रही हैं। तो कांग्रेस ने भी इसको शुरू किया। आज उनको समस्या ये आ गई है कि अगर ये क्रांतिकारी कदम सफल होते हैं तो इसका श्रेय मोदी सरकार को मिलेगा। तो किसी भी कारण से मोदी सरकार को कैसे कमजोर किया जाए, एक वातावरण ऐसा बना दिया गया जैसे कोई बहुत बड़ा पाप हो गया। मेरा कहना है कि आंदोलन करना हो किसी समस्या को लेकर के, उसमें कहीं कोई कतई आपत्ति नहीं है। लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन होते आए हैं, बहुत पहले होते आए हैं, लेकिन किसी चुनी हुई सरकार के खिलाफ इस प्रकार से वातावरण बनाना एक अराजकता है। इस अराजकता को नहीं होने देगी कोई भी सरकार। आखिर सरकारों का काम होता है अराजकता को रोकना। काम सबको मिले इसका अवसर पैदा करेंगे, इसके लिए रोजगार बढ़ाना पड़ेगा तो रोजगार भी बढ़ाएंगे। और रोजगार के बढ़ाने के लिए आपकी जानकारी के लिए अभी भी पिछले 3 दिन में हमारे पास जो लोग आए उसके अंदर आदित्य बिरला ग्रुप, टाटा स्टील के लोग, METC वाले ये आए हैं। इन्होंने तो अभी भी उद्योग लगाने शुरू किए हैं। हमारा जो रोहतक के अंदर टाटा स्टील वाले ये जो स्क्रैपिंग है ओल्ड व्हीकल्स की, स्क्रैप को मोल्ड करने का उन्होंने यूनिट लगाया 100 एकड़ पर। अब 100 एकड़ पर लगाएंगे तो 5-4 हज़ार लोगों को कुछ तो आप रोजगार मिलेगा। इसी प्रकार ये जो आदित्य बिरला ये पेंट का एक यूनिट अपना लगा रहे हैं पानीपत में, बड़ा यूनिट लगा रहे हैं। तो जब इस प्रकार के लोग कंपनियां यहाँ आएंगी, पंजाब में कोई नहीं जा रहा, छोड़ छोड़ के भी आ रहे हैं। हमारे यहाँ आज भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस उसका प्रभाव हमारे यहाँ है। लोगों को फटाफट चीज़ें मिल जाती हैं। प्रोक्योरमेंट जो है, प्रोक्योरमेंट इस बार थोड़ी देरी से होगी, वर्षा के कारण ही है, उसका और कोई कारण नहीं है। पहले हम 25 सितंबर से प्रोक्योरमेंट किया करते थे, अभी शेड्यूल 1 अक्टूबर से बनाया है। 5 दिन इसको लेट किया है क्योंकि उतना ज़्यादा अराइवल भी नहीं है, कहीं कंबाइन भी नहीं है कि देखिए हमें कहीं कोई मशीन भी नहीं चल रही है। तो सुखाने का मौका ज़रूर 2-4 दिन बीच में चाहिए, क्योंकि पिछले दिनों में वर्षा में कुछ जो फसल आ गई थी मंडियों में वो गीली हुई है। तो अब 3-4 दिन अगर ठीक ठाक मौसम होता तो सूख जाएगी। 1 अक्टूबर से ज़रूर उसको हम करेंगे। ये जो पिछले दिनों में एक घटनाक्रम हुआ कि पेपर लीक, पेपर आउट, ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा एक कंसर्न है। हमने उसको बहुत गंभीरता से लिया है और ये हमें ध्यान में आ रहा है कि एक बहुत बड़ा गैंग है, बहुत बड़ा नेटवर्क है। हमने तय किया कि भी किसी भी कीमत पर इस नेटवर्क को हम तोड़ेंगे। ये नेटवर्क आंखों से ओझल रह करके जब तक काम किया उसने किया, और बहुत पुराने समय से कर रहा है। हमने तो FIR भी बहुत कराई हैं, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी चल रही हैं। ये जो पिछला पेपर लीक का हुआ था इसके अंदर 28-30 लोगों को गिरफ्तार भी किया, दूसरे प्रांतों के लोगों को भी पकड़ा है। अब उसके बाद 2 टेस्ट हमारे ठीक हो भी गए हैं। और मैं आज एक और घोषणा करता हूँ कि इस नेटवर्क को तोड़ने के लिए हमें लोगों से जानकारियाँ भी चाहिए। हमने बहुत बड़ा नेटवर्क पकड़ा है, फिर भी कुछ लोग अभी कहीं ना कहीं लगता है छुपे होंगे। उसका एक ही हल है कि जितने लोगों को ऐसे लोग संपर्क करते हैं कि मैं तुम्हारी नौकरी लगवा दूंगा, ऐसे लोगों की जानकारी मैं एक विजिलेंस डिपार्टमेंट की ओर से एक नंबर प्रसारित करता हूँ, उस नंबर पर वो बता दें। जिन्होंने पहले दिए हैं वो भी बता दें किसको दिए हैं, और आगे कोई मांगने आता तो उसकी भी जानकारी दे दें। रंगे हाथों पकड़ने की बात आएगी तो उसको तैयार करेंगे हम कि ठीक है तुम दो हम पकड़ेंगे, और नहीं अगर रंगे हाथों तो कम से कम उस नेटवर्क का जरूर पता लग जाएगा कौन कहाँ से कैसे नेटवर्क उसे बनाया हुआ है। वो नंबर है स्टेट विजिलेंस बोर्ड का है, टोल फ्री नंबर है। आज शाम 4 बजे से इसको एक्टिव हो जाएगा ये, क्योंकि फॉर्मेलिटी चल रही है, कल ही हमने योजना बनाई है। नंबर है 1800 180 2022। इसको निश्चित रूप से नेटवर्क को डिमोलिश करना ये हमारा हेतु है।